ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अपन, फिर अपन कौन सा कर रहे थे अपन, ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हो गया था ना? नहीं, ये बाकी था करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक मिनट। हाँ, यही बता रही थी मैं उस दिन। इन सर्टेन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट रेमेडी। देखो, कभी कभी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं, है ना, और हम कहते हैं कि हमको उसके बदले में कुछ क्या हो जाए, डैमेजेस का अमाउंट मिल जाए, तो वो कभी भी रेमेडी नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कुछ सिचुएशन पे कोर्ट क्या करती है, उस पे अलाउ नहीं करती है कॉम्पनसेशन को। वो कहती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना? ये देखो, ये जो डिटेल्स लिखी है, देखो, द एग्रीव्ड पार्टी मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन मॉनिटरी कंपनसेशन। उसको देखो, पैसे से मतलब नहीं है, मॉनिटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए उसको, उसका काम होने से मतलब है। द कोर्ट में इन सच केसेस डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस, मतलब टू कैरी आउट द प्रॉमिस। ठीक, आगे देखो, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की मर्जी से, ये वर्ड याद रखना है ना, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की मर्जी से, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ पर्टिकुलर हाउस और सम रेयर आर्टिकल और कुछ ऐसी चीज जिसमें मॉनिटरी कंपनसेशन इनफ नहीं होता है। देखो, सेल ऑफ पर्टिकुलर हाउस, इंडिया में घर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर हमने किसी को घर बेचा है और सडनली हम उसको मना कर देते हैं, तो उसका देखो पूरा उसका लाइफ टाइम का सेविंग चले जाता है इंडिया में हाउस के पीछे। तो कुछ ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट अलाउ नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीड टू सेल एन ओल्ड पेंटिंग टू बी ₹4,10,000। देखो, ओल्ड पेंटिंग एंटिक है। सब्सिक्वेंटली, ए रिफ्यूज टू सेल द पेंटिंग, हेयर बी मे फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है इसकी मीनिंग, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? बताओ, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। हाँ, नेक्स्ट देखो, आप किसी को डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखो, इन सिचुएशंस पे अलाउ नहीं है, है ना? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। जैसे मैंने बताया कि कोर्ट बोलती है कि आपको परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बट कुछ सिचुएशंस होंगी जिसमें विदाउट परफॉर्म की भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहला क्या, व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ, हाँ, उसके बदले अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं और उसकी भरपाई हो जा रही है, तो। सेकेंड, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर मीन्स, देखो उसमें क्या था, ओल्ड पेंटिंग बेचनी थी, लेकिन इसमें क्या है, पेंटिंग खुद बनानी है सामने वाले को, तो तुम भाई किसी और से बनवा लो। तो इन सच केसेस इंजक्शन इज ग्रांटेड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस। कुछ सिचुएशन होती है जिसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती है, सुपरवाइज मीन सुपरविजन नहीं कर सकती है, कि ऐसे सिचुएशन पे। हाँ, इसमें देखो एक एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, घर खरीदना अलग है ना, परचेज अ हाउस अलग है, लेकिन घर बनवाना तो हम किसी और दूसरे बिल्डर से भी बनवा सकते हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंपनी बियॉन्ड इट्स पावर एज लेट डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूनिट वन में स्टडी करवाया था, और उसमें ये बताया था कि कंपनी के जो मेमोरेंडम्स में जो चीज़ लिखी होती है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, कंपनी उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, है ना? तो ऐसा चीज का उसने, हाँ, बोल दिया है, जो चीज
उसके मेमोरेंडम में नहीं है. नेक्स्ट देखो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन इक्विटेबल टू आइदर पार्टी, जो सपोज दो पार्टी है, ये अड़ गया इज्जत पे कि मेरे को काम करवाना, ये नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बाद में किसने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह इसने की होंगी, तो इसको समझ में आया होगा कि ये तो लॉस का भाई केस है मेरे लिए, मैं नहीं करूँगा. व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज अ माइनर, और अगर सपोज एक माइनर है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट देखो, सूट फॉर इंजेक्शन. देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, ये अगर आपको दिखे इसमें, ये जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होता है, ये सेकेंड पॉइंट देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पे नेचर का होता है, जैसे इसमें मैंने बोल दिया कि ओल्ड पेंटिंग बनाना था और लेकिन अब खुद किसी को बनाना है, तो मैंने बोला कि तुम दूसरे को हायर कर लो, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, इंजेक्शन ग्रांट करती है. तो इंजेक्शन क्या है, तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो रेमेडीज हैं उसमें एक रेमेडी भी है इंजेक्शन. तो हम उसको अभी यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया था क्योंकि अपन उसमें नेक्स्ट में करने वाले थे. देखो सूट फॉर इंजेक्शन, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो पहले. तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी नेगेटिव टर्म को ऐड किया जाता है, नेगेटिव मतलब एकदम नेगेटिव नहीं, मतलब किसी चीज़ को नहीं करना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट. और सपोज जैसे ये किसी ने शॉप ओपन कर ली, उसका कॉन्ट्रैक्ट में था कि विद इन 100 किलोमीटर आप इसकी सेम ब्रांच ओपन नहीं करेंगे, उसने 80 किलोमीटर के दायरे में वो शॉप ओपन कर दी, तो इट मीन्स उसने ब्रीच किया ऑफ नेगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसे सिचुएशन पे जब कोर्ट इशू करती है ऑर्डर, ठीक, और सामने वाले को रोकती है ऐसे करने से, प्रोहिबिट हिम फ्रॉम डूइंग सो, तो जब कोर्ट इसको रोकेगी कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगर आपने शॉप खोली है 80 किलोमीटर की रेंज में, तो यू हैव टू क्लोज शट दैट शॉप और यू हैव टू क्लोज दैट शॉप, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं इंजेक्शन. देखो जी एग्रीड टू बाय द होल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हिज हाउस फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी. He was therefore restrained by injection from buying electricity from any other company. वो suppose किसी और company से electricity लेने वाला था, पर अब वो किसी और से ले रहा है, तो ऐसी situation में भी उनको injection. देखो, W agreed to sing at L Theatre and during a contract period to sing nowhere else. Afterwards, W made contract with Z to sing at another theatre and refused to perform contract with L. W would be restrained by injection from singing for Z. देखो यहाँ पे जैसे रॉक स्टार्स वगैरह होते हैं ना, फिल्म स्टार्स वगैरह, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आप हमारे ही ब्रांड को प्रमोट करेंगे एटलीस्ट 2000, अभी तो 21 चल रहे तो 22 तक, इसके अलावा आप किसी और ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करोड़ ऑफ रुपीज का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. तो जब कोई ऐसा करता है तो सामने वाली कंपनी उसके ऊपर क्या कर देती है, केस कर देती है. तो इंजेक्शन, इंजेक्शन मींस कंपनी कोर्ट स्टे ऑर्डर करवा देती है. इंजेक्शन का मतलब समझ में आया? कोई डाउट है? नो मैम. सब समझ में आ रहा है? आयुषी, हर्ष, नम्रता, क्वांटम, मेरिएट. द फ्रेज इसका मैंने लिखवाया था एज मच एज. द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज दैट अनलेस द पार्टी हैज परफॉर्म द प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी ही कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर. इसका मतलब बताओ मेरे को, ये जो हिंदी में इंग्लिश में जो लिखा है इसका हिंदी में बताओ मेरे को. चलो बताओ. बताओ बताओ क्वांटम मेरिट. ये जो लिखा है द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज दैट, क्या है रूल ऑफ लॉ, क्या कहता है लॉ में रूल, क्या कहता है?
नहीं देखो इसमें किसी और से, ये जो अदर है ना इसका मतलब किसी कोई और नहीं, ये फर्स्ट पार्टी दूसरे सेकंड पार्टी के लिए बोल रहा है, अनलेस द पार्टी, देखो जो पार्टी है जब तक वो खुद कुछ नहीं कर लेती तो वो सेकंड पार्टी को कुछ नहीं बोल सकती। आप लोग थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में। मैं अरे मास कट रही है। रिकनेक्ट करो, तो रिकनेक्ट करो अगर वॉइस ब्रेक डाउन हो रहा है तो। मैम अब आ रही है। देखो ये जो लिखा है ना अदर, ये अदर मतलब कोई और दूसरा नहीं, ये ना फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी के लिए बोल रही है यहाँ पे। पहली चीज तो लिखा है ना द पार्टी हैज परफॉर्म द प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है, तो ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर। जब तक वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है अपना परफॉर्म प्रॉमिस, तो वो जो प्रॉमिस ही है वो उससे तब तक कुछ भी क्लेम नहीं करेगी, ये उसकी बात हो रही है फ्रॉम द अदर का मतलब यहाँ पे। अब इसमें देखो, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो देखेंगे आप लोग। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख। एज मच एज मैरिट बोलते हैं इसको, या एज मच एज डिजर्व और एज मच एज इज वर्दी ऑफ, इसका मतलब है लीगल सेंस में पेमेंट करना सामने वाले को इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन। और रीजनेबल वैल्यू ऑफ वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड, एटलीस्ट जितना काम किया है उतने के लिए इसमें अमाउंट पे करना। इसका मतलब ये है दैट अ पर्सन या फिर पार्टी जो था उसमें लिखा था कैन रिकवर कॉम्पनसेशन इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। अगर वो लोग ब्रीच कर भी रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, फिर भी अगर उसने कुछ पोर्शन वर्क किया है काम का तो उसको उतने के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें दो सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि दो देखो जो क्लेम है क्वांटम मेरिट का दो कंडीशंस में अराइज होगा। फर्स्ट द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, मैम आवाज कट रही है। कोई बात नहीं है, मैं देखो इसलिए तो लिख रही हूँ वॉइस कट रही है, आप लोग नोट करो उसको फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा आप लोगों ने? आरती, अनुराग, नम्रता,
ये कब ले सकते हैं? क्वांटम मैरिट वाला, जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ठीक है हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, जब सामने वाला डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है, देखो रिलीज होना, और यहाँ पे ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हम क्वांटम मैरिट का क्या होता है रूल, कि आपने जितना किया है एज मच एज उतना आपको अमाउंट मिलना चाहिए। तो अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच की बजाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं तो आप तभी इसका क्लेम ले सकते हैं। देखो लिखा है द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन बी मेड ओनली व्हेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज मीन्स रिलीज, इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, द पार्टी हु हैज डन समथिंग फॉर अदर पार्टी कैन नॉट हैव रेमेडी बट ही इज टू रिलाई ऑन इन डैमेजेस। तो इसमें क्या होगा, क्वांटम मैरिट का हम कभी ले सकते हैं जब आपने उसको डिस्चार्ज दे दिया है। ठीक, लेकिन अगर आपने डिस्चार्ज नहीं दिया है और अगर आप उसको ब्रीच ट्रीट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्वांटम मैरिट का क्लेम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डैमेजेस का क्लेम मिलेगा। इतना समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट देखो, द क्लेम फॉर क्वांटम मैरिट, तो जो क्वांटम मैरिट वाला क्लेम जो लेके आ रहा है should be brought by the party, वही claim करे quantum merit के लिए जिसका default नहीं हो, who is not in default, मतलब वही responsible नहीं होना चाहिए उस contract को break करने के लिए, कि वही contract break करो और बोल रहे हैं कि at least मैंने इतना काम तो किया, मेरे को इतना दिलवा दो, नहीं, ठीक है, because आपकी वजह से किसी और को loss हो रहा है, तो आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते। तो आप एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे इस पॉइंट से जो मैंने बताया अभी। अब इसमें नेक्स्ट देखो, देखो तो क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज इज मेरिटेड, मतलब जितना काम किया उतना मिलना चाहिए। द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज क्या है, अनलेस द पार्टी इज परफॉर्म द प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर। टू दिस रूल देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, तो वो दो एक्सेप्शंस हैं, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम पे, आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैंने जो दो कंडीशंस बताई हैं आप वो लिखेंगे इसके बदले, और जो मीनिंग आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पार्टी हैज डन सम वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, एक पर्सन है या एक पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है और दूसरा पर्सन उसको क्या करता है, रेप्यूडिएट ब्रीच, मतलब कैंसिल कर रहा है, या कुछ ऐसा इवेंट होता है कि वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। दिस राइट ऑफ क्लेमिंग द पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन बिफोर द रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द राइट टू क्वांटम मेरिट। बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। इसमें लिखा है कि अगर एक पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर रहा है, मींस कैंसिल कर रहा है, तो कैंसिलेशन के पहले, मतलब बिफोर तक उसने जो भी काम किया है उस काम के लिए उसको जो अमाउंट मिलेगा वो कहलाता है राइट टू क्वांटम मेरिट। बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें।